हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम बात करेंगे कुछ मिरेकल्स की। मिरेकल हुआ है हमारी जीजी के घर पर। ओ माय गॉड, कान्हा जी आए थे जीजी के घर। सो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मेरे लाइव में कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे तो मैंने बोला मत बोलो, क्योंकि आस्था की बात है। अगर हमें आस्था हो तो कहते हैं ना, पत्थर में भी भगवान दिखते हैं। तो वैसे ही उनकी आस्था होगी तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ। तो हम उनकी आस्था को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाते। उनकी आस्था के हिसाब से जी हाँ, आपके कान्हा जी ने पानी पिया, बट हम उसको एक अलग वे में बताते हैं। जब आप पानी पिला रहे थे, शायद आप सोकर उठी थी, आपको ऐसा महसूस हुआ, आप पूरे नींद में थे या जो भी थे आधे नींद में थे, और आप जब पानी पिला रहे थे तो आपकी मंदिर के नीचे जो भी पेंट था या शीट थी येलो रंग की, उसमें साफ साफ दिख रहा है पूरा पानी गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको भरोसा नहीं है तो मैं तो आपकी क्लिप अगर लगाऊं तो आप तो मुझे स्ट्राइक दे दोगी। तो वो मैंने देखा है, जूम कर करके देखा है, तो पूरा पानी जो आप चम्मचों से पिला रही थी ना, वो पूरा नीचे गिरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम इनको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर इनको ऐसा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें अपने भगवान के होने का एहसास है, ये बहुत ही बढ़िया है। तो मैं चाहूँगी कि आपने जो आज आपको फील हुआ है वो रियल में आपके साथ ऐसा हो, भगवान आपके साथ हो, आपको आशीर्वाद दे या जो भी है। लेकिन वहीं पर आप अपने लाइफ में कहती नजर आई कि भगवान सब देख रहा है सबको, अपने कर्मों का फल, मतलब आपका कहने का मतलब था कर्मों का फल मिलेगा ये वो। तो आपको क्या लगता है कि आप जो ये मिट्टी खा के दिखा रहे हो और आपको देख के बहुत सारे लोग खाना सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, ये तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी बात होगी। बट उस माँ से पूछो जिसकी लड़की ने आपका वीडियो देख के खाना सीखा है, उन औरतों से पूछो जिन्होंने आपको देख देख के खाना सीखा है। वो तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे चैनल पर भी है, आप ही के सब्सक्राइबर थे पहले, बट अब उनको आपकी सब चीज़ें समझ में आ गई कि आपको ना कोई क्रेविंग होती है, ना आपको मिट्टी खाने का मन होता है, बस आपको डॉलर्स की क्रेविंग होती है जिस वजह से आप आते हो। अच्छा, अब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आजकल आपकी क्लीनिंग वीडियोस ज़्यादा आ रही है, आप सॉलो नहीं कर रहे हो, आप ये वो। तो साफ बात ये है कि इनकी अकेली की नहीं, सारे क्रंचर्स की हालत ख़राब हो पड़ी है। उनका ना चैनल किसी वक्त भी उड़ने के कगार पर है। कम्युनिटी स्ट्राइक ऑलरेडी इनको मिल चुकी है, फिर भी ये लोग ज़बरदस्ती बनाते जा रहे हैं, और फिर कल को कुछ इनका चैनल उड़ता है तो फिर ये आ जाएंगे अपना रोना पिटना लेकर। तो व्लॉग्स इनके अच्छे हैं, व्लॉग्स में अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो आप मेरे ख्याल से तो व्लॉग बनाइए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन यहाँ पे इनको दोष ना देते हुए मैं सब्सक्राइबरों को दोष दूंगी, चाहे वो मेरे हो, चाहे इनके हो, या किसी एक्स वाई जेड के हो। जिसका जो कंटेंट होता है, जैसे इनका क्रंचिंग चैनल का कंटेंट था, अब जब क्रंचिंग चैनल क्रंच को छोड़ के कुछ और करने जाएंगे तो मैं बताती हूँ व्यूज़ नहीं आते। जैसे एग्जांपल है भगवद गीता, तो भगवद गीता की बात कर ले तो अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है, मिट्टी खाने से तो हज़ार गुना अच्छा काम है। तो वहाँ पे कोई नहीं जा रहा सपोर्ट करने, ठीक है, वहाँ पे नहीं जाते देखने, वो नहीं इनको मतलब है। आप बोलते हो ना, आप बहुत प्यार करते हो, दी आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत मीठा बोलती हो, आप बहुत अच्छा बोलती हो, हमको बहुत अच्छी लगती हो, तो क्यों नहीं आपने उनको सही काम में सपोर्ट कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हो। और तो और मैं यहाँ बात करूँगी इनकी जो लाइव, जो आज लाइव चल रही थी, पहले 5 मिनट्स कितने मिनट्स की लाइव थी, हाँ मैं क्रंच करूँगी, फिर दूसरा 13 मिनट कितनी मिनट की लाइव थी, एक स्लेट पेंसिल लेके फिर उसका लेयर्स निकालते हुए, ये लेयर्स पसंद नहीं है, आप तो काफ़ी काटा छीली करके सफाई करके सुखाने के बाद मेरे ख्याल से अपने बॉक्स में रखते होगे, तो आप उसे काटा छीली करते 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 पूरा 11-12 मिनट वेस्ट कर दिया। सबने बोला खाओ खाओ,
हाँ खाऊंगी खाऊंगी। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप तो अपने वीडियोस में बड़े बड़े चट्टान खाते खाते दिखाते हो, इतने बड़े बड़े शेल स्टोन, 20 किलो नाकोमट और ये वो, आप तो ये सब खाते हुए दिखाते हो ना, तो एक स्लेट पेंसिल खाने में इतना क्या सोचना, और फिर ये बोलना कि कोई बीच में आ गया था तो मेरी वीडियो अब मैं पता नहीं क्या बात कर रही थी आप लोगों से। तो मैं यही बोल रही थी कि वो उस एक स्लेट पेंसिल को खाने के लिए इन्होंने इतना टाइम लगाया, इतना टाइम लगाया, फिर बड़े मुश्किल से आधा खाया, उतने में इनके हस्बैंड इनको बुलाने आ गए। अब क्यों बुलाने आ गए, क्या है वो इनका पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं मालूम। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। हाँ एक ये बोल रही थी कि मैंने अभी स्वॉलो कर लिया तो मैं 9 बजे करने में दिक्कत होगी, तो जो मट्टी खाता है ना रियली, मैं जैसे मैंने नाकोमट खाती थी, मैं तो साफ कहती मैं खाती थी, और मैंने कल ही अपना एक वीडियो देखा जिसमें मैं ना नाकोमट खा रही थी, तो मैं देख रही थी कि मैं उसको खा रही थी और एक मिनट में वो अंदर चला जा रहा था नॉर्मली, और जब ये लोग खाते हैं तो पता नहीं 10 घंटे उसको जुआली सी करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं उसमें, जैसे कि दूध में से दही में से जैसे मक्खन निकालते हैं ना, उस तरह से ये लोग उसको चबाते रहेंगे, फिर यहाँ वहाँ साइडों में ठूसेंगे, जो भी कुछ करेंगे, जो डस्टबिन है बोलने का मतलब इनका वो। तो मुझे यही बात नहीं समझ में आई कि इनका ना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये खाना नहीं चाह रही हैं, तो आपको तो इतनी क्रेविंग होती थी तो आप क्यों नहीं खा रहे हो, अब क्या हो गया, बड़े बड़े इतना सारा स्टॉक, इतना सारा चट्टान मंगा के रखा है, किस लिए मंगा के रखा है अगर आप उसको नहीं खाओगे तो, भाई यही सोच रही हूँ। खैर अब आते हैं बात एक नाइन डेज बिफोर क्या है भगवद गीता, जिसमें ये भगवत ज्ञान दे रही हैं। ओ माय गॉड, चलो ठीक है मान लिया आपको नॉलेज की कमी है, तो लेकिन आज के ज़माने में हमारे पास लैपटॉप है, मोबाइल है, गूगल करके कभी भी कुछ भी देख सकते हैं। तो वहाँ पर एक जगह पर ये बोल रही हैं कुछ गया जी के बारे में, तो ये कह रही हैं गया जी गोवा में है, गया जी गोवा में, सीरियसली मुझे भी, मैंने आपका वो भगवद गीता नहीं देखा था, ना मैं देखती हूँ ना मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं अगर उस पर कुछ बोल दूँ ना तो लोग ज़बरदस्ती मुझे कंट्रोवर्सी में घेरने के लिए चले आते हैं, तो इसीलिए मैंने उसको देखना बंद कर दिया। मैं सिर्फ व्लॉग्स देख लेती हूँ और क्रंचिंग भी कुछ दिनों से मैं नहीं देख रही हूँ, आज लाइव देखा था। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ का ज्ञान नहीं हो, कोई चीज़ डाउट हो, तो उसको अवॉइड करें बोलने के लिए, क्योंकि हम लोगों को इंडिया से ही नहीं देखते लोग, हमको बाहर से भी लोग देखते हैं, और हिंदू होने के नाते आपको गया जी की नॉलेज नहीं है, मुझे बड़ा वो लगता है। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि गया जी गोवा में नहीं है, गया जी बिहार में है, और मैंने अभी रिसेंटली अपने वीडियोस में कई बार बोला भी था कि मेरे पापा जी मेरे ससुर अभी गया जी गए थे। गया जी क्यों जाते हैं लोग, पितरों के, हमारे पूर्वज हमारे पितरों की शांति के लिए जाते हैं, पूजा पाठ होती है पूरा, जैसे कि हम हिंदुओं में कोई भी किसी की भी डेथ के बाद हमको पटा, जैसे हमारे यहाँ पे ग्वालियर का रिवाज है पटा करना, पटा होता है 3 साल या 5 साल के बाद, उसके बाद से श्राद्ध हर साल किया जाता है। तो ये हर साल श्राद्ध होना बंद कब होता है, अगर हम गया जी जाके पिंडदान वगैरह करके प्रॉपर एक बड़ी पूजा होती है उसको कंप्लीट करवाने के बाद हम अपने यहाँ वापस लौट के आते हैं, फिर हम लोगों को एक बहुत बड़ा भंडारा करना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी मैं गई भी थी, जब मैं आपको बताकर गई थी कि हमारे यहाँ भंडारा है, तो बहुत सब लोगों को खिलाया पिलाया जाता है, तब जाके वो उसमें अखंड रामायण होके वो हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद मैं श्राद्ध करूँ या ना करूँ ये मेरी श्रद्धा है, मैं नहीं करती हूँ तो भी मुझे पाप नहीं लगेगा क्योंकि हमारा सब हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग उसके बाद भी कर देते हैं, इसलिए कर देते हैं कि
अच्छा होता है उन दिनों में, 15 दिनों में पंडित खिलाना। कोई भी भूले बिसरे हमारे पूर्वज या कोई भी हो, कहते ना हमारे पूर्वजों की आत्माएं उस वक्त आती हैं, ऐसा माना जाता है, रियल है पता नहीं क्या है, तो उनको खिलाया पिलाया जाता है। सबके दिन के हिसाब से होता है, तो जो लोग भी श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो वो लोग कुछ नहीं तो लास्ट डे जो श्राद्धों का 15 दिन कनक दिवस डेज होता है, मेरे को ज़्यादा ये इधर ग्वालियर का नॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ श्राद्ध बोलते हैं, तो श्राद्ध वाले दिन में आखिरी दिन कोई भी उसको कर सकता है, तो जो भी हमारे भूले बिसरे पूर्वज होते हैं तो वो लोग खा लेते हैं। तो ये था गया जी का। तो आप बहुत ही हमारा हिंदू का सबसे पवित्र ग्रंथ लेकर बैठे हो भगवद गीता, तो मैं आपको बस यही बोलूँगी कि उसकी कंप्लीट नॉलेज लेके बैठो तब बोलो, वरना मत बोलो। कंटेंट चेंज कर लो, समय है अभी भी आपके पास, कंटेंट चेंज कर सकते हो, और इनकम्प्लीट नॉलेज अधूरी नॉलेज मत दो प्लीज़। बहुत ही ज़्यादा मिस गाइड करते हैं लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं जो प्यार करते हैं, वो तो आपके हर एक चैनल पर आएंगे। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।